इस हेलो वर्ल्ड से आगे देखेंगे कि अब हेलो वर्ल्ड से आगे क्या करना है हमें, ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे पहले अगर कोई बंदा ब्रीफली मुझे ज़रा जावास्क्रिप्ट की टाइमलाइन अगर रिपीट कर दे आप में से, तो ताकि थोड़ा वार्म अप हो जाए, पिछली चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज हो जाए। है कोई कर पाएगा आप में से, कोई भी यहाँ से कोई? जी अच्छा, आपकी आवाज़ वहाँ तक शायद नहीं जा रही, तो आप एक काम करें, आप खड़े हो जाएं, यहाँ आ जाएं माइक में बोलें। माइक वहाँ तक नहीं आ सकता, आपको यहाँ आना होगा। अच्छा, सबसे पहले तो यार क्लैपिंग हो जाए इनके लिए, इतनी बड़ी याद में जाए। अच्छा ये अच्छा, पहले अपना यार इंट्रोडक्शन करवाओ, नाम वगैरह बताओ अपना। मेरा नाम मोहम्मद नबील है और मैं सरसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और सर ने जो बताया था जावास्क्रिप्ट की टाइमलाइन का, तो सबसे पहले जो है वो पैम्फलेट्स वगैरह या बैनर्स जो यूज़ होते थे, उसके बाद जब वेब 1.0 आया था तो उसको डिजिटलाइज किया था और उसको स्क्रीन के ऊपर लेकर आए थे, तो उसके अंदर फिर लोगों को ख्याल आया था कि इसके अंदर कुछ एनिमेशन होनी चाहिए, कुछ इफेक्ट्स होने चाहिए, कुछ हम जब इसके ऊपर होवर करें कुछ काम हो, कुछ एक्शंस परफॉर्म हो, तो उसके लिए हर ब्राउज़र ने जो है वो अपनी अपनी एक स्क्रिप्ट जो है वो लिखी थी और उसके ज़रिए से जो है वो फिर वो उसको रन करते थे। और वो सारा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक्मा स्क्रिप्ट करके कुछ थी, उसके अंदर जो है वो बैठते थे और डिस्कस करते थे और उसके अंदर चेंजेस वगैरह करते थे। फिर कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने किसी प्रोजेक्ट के लिए जो है वो अपने कुछ कंबाइन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर ये ब्राउज़र के ऊपर रन हो सकती है तो उसको टर्मिनल के ऊपर भी जो है वो रन होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, कुछ फीचर्स ऐड किए, कुछ रिमूव किए और फिर वो प्रोजेक्ट जो है वो लेके एक्मा स्क्रिप्ट के पास जो है वो लेके गए और इस तरीके से जो है वो उसका जो टर्मिनल का जो वर्जन था जावा स्क्रिप्ट का, जिसको बकायदा नाम दिया गया था कॉमन जे एस का, वो जो है इन्वेंट हुआ था। नबील नाम बताया आपने ना? अच्छा, नबील पूरी क्लास में स्टैंड आउट हो गए, ठीक है, कॉन्फिडेंस अपना आपको दिखा दिया इन्होंने। अच्छा, अब लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी क्लास में पूरी तवज्जो के साथ बैठना है, जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको तवज्जो से सुनना है और उसको घर जाके सर्च भी करें, मेरी बातों में भी आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं कभी बहुत लंबी लंबी फेंक देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता चलेगा ही नहीं जब तक आप खुद से जाके सर्च नहीं करेंगे घर में, तो आप खुद से उसको गूगल भी किया करें। अच्छा, और फिर अगली क्लास में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये करता हूँ कि पिछली क्लास की चीज़ें या तो खुद रिपीट करता हूँ या तो स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप बताएं। तो आपका भी क्लास में टू पे होनी चाहिए, आपका भी टैलेंट निकल के सामने आना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे बहुत जीनियस किस्म के लोग बैठे हों, मेरा प्रोसेसर वैसे इतना फास्ट है नहीं, हो सकता है आप में से बहुत सारे बैठे हों जिनका प्रोसेसर बहुत फास्ट हो, तो वो पता कैसे चलेगा? पता ऐसे ही चलेगा कि आपको मैं मौका दूंगा बोलने का वक्तन फवक्तन, तो आपका टैलेंट सामने लाने का आपके पास मौका होता है, ठीक है। तो अभी तो नंबर वन पे क्लास में आ गए नबील, अब देखते हैं इसके बाद नंबर वन पे कौन आता है अगली क्लास में। अच्छा, तो ये हमने देख लिया कि जावास्क्रिप्ट बनी पहले ब्राउज़र में, पहले एक्मास्क्रिप्ट 5 के नाम से वो जावास्क्रिप्ट में स्टैंडर्डाइज हुई, फिर बाद में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला टर्मिनल पर भी चलना चाहिए, फिर वो उसको उन्होंने बाकायदा चीज़ें वो ऐड की जो मिसिंग थी उसमें, और वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जावास्क्रिप्ट में जब काफ़ी कुछ चेंज हो गया तो उस जावास्क्रिप्ट का एक नाम रख दिया गया कॉमन जेएस। फिर अब उसका नया बिल्कुल जो वर्जन है वो मॉड्यूल जेएस उसका नाम है, तो हम मॉड्यूल जेएस भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ब्राउज़र वाली कवर करते हैं। अभी जो फंडामेंटल्स हैं वो हम ब्राउज़र में पढ़ेंगे ताकि ऐप्स भी छोटी छोटी बनाते रहें, उसके बाद जब ये फंडामेंटल पूरे हो जाएंगे हमारे तो फिर हम सर्वर लिखना सीखेंगे, तो सर्वर में हम फिर मॉड्यूल जेएस कवर करेंगे जो भी हमें रिक्वायर्ड है। पूरी जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हम, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट में, हम उतनी जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे जितनी हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन जो भी पढ़ेंगे ये गारंटी है कि हम बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो हम जो बुक फॉलो करेंगे स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ये वो बुक है जो हम इस कोर्स में फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हम इस बुक को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें से टॉपिक मैंने चूज़ एंड पिक करके अलग कर लिए हैं जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो टॉपिक कौन से वाले हैं वो मैं टॉपिक भी आपको
बता देता हूँ। अच्छा, ये वो टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स पढ़ने हैं, मैथ ऑपरेटर्स सारे पढ़ेंगे हम। वेरिएबल कौन कौन से पढ़ेंगे, टाइप वो आ गई, मैथ ऑपरेटर ये सारे पढ़ेंगे हम, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, सॉरी ये मैंने गलत लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लूप स्टेटमेंट है और फंक्शन है। ये जावा स्क्रिप्ट की चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। जी दोस्तों, USB यहाँ दे दो। अच्छा, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेरिएबल्स के साथ कि वेरिएबल्स क्या है। अच्छा, तो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ अपने इस रिपॉजिटरी के अंदर। अच्छा, ये रिपॉजिटरी सब लोगों को पता है कहाँ पर है, गिटहब में पुश होती है ये रिपॉजिटरी, और जो भी क्लास में मैं कोड लिखता हूँ वो आपको मिल जाता है। आपकी रिपॉजिटरी का जो नाम है वो क्या है, वो नाम है सैलानी AI चैटबॉट क्लास और बैच 2B, ये आपके रिपॉजिटरी का नाम है। अच्छा, और मैं इसका नाम रख लेता हूँ 4.variables, ठीक है। वेरिएबल्स इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, देखो सजेशन आ गई, एंटर कर दिया, तो ये बेसिक HTML पहले से लिखी भी आ गई। हमने जैसा कि देखा है जो ब्राउज़र वाली जावा स्क्रिप्ट है वो बगैर HTML के नहीं चल सकती, तो जब तक हम ये फंडामेंटल पढ़ रहे होंगे HTML भी हमारे साथ साथ चलेगा और जावा स्क्रिप्ट भी थोड़ी थोड़ी हमारे CSS भी हमारी साथ साथ चलेगी। तो HTML और CSS इन दोनों का ओवरव्यू हम कर चुके हैं, आपको मैं एक लिस्ट बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें पॉसिबिलिटी है। तो आप जो भी ऐप्स बनाएंगे, जैसे इंशाल्लाह हम कैलकुलेटर की छोटी सी ऐप बनाएंगे, कोई टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की ऐप बनाएंगे, ठीक है, डिफरेंट कन्वर्टर, फिर जैसे BMI कैलकुलेटर होता है कि दो चीज़ डाली तीसरा एक रिजल्ट आ गया, इस तरह की छोटी छोटी ऐप्स हम बनाएंगे, तो उसमें आपसे मैं ये गुजारिश रहेगी कि HTML और CSS भी जो आप पढ़ चुके हैं उसको उसमें यूज़ करें, फ्लैक्स बॉक्स का भी इस्तेमाल करें ताकि वो किसी को दिखाने लायक हो, वरना HTML CSS को कवर करने की ज़रूरत नहीं थी इस कोर्स में, क्योंकि हम वेबसाइट थोड़ी बना रहे होंगे, हम तो चैटबॉट बनाएंगे और हमारा मेन काम मॉड्यूल JS से, सर्वर वाली JavaScript से, तो वो बनाने का मकसद ये था कि जब तक फंडामेंटल भी पढ़ रहे होंगे हम तो छोटी छोटी ऐप्स बनाते रहेंगे और ऐसी ऐप जो किसी को दिखाने के काबिल हो, ठीक है। तो इसलिए मेन मकसद ये है, तो इसको प्लीज़ फौत मत कीजिएगा इस मकसद को। अच्छा, मैंने H1 करके हेडिंग डाल दी, मैंने कहा वेरिएबल्स। अच्छा, तो ये बुक का भी जो पहला चैप्टर है वो वेरिएबल्स ही है। चलते हैं जी जल्दी जल्दी ऊपर। अच्छा, पहला चैप्टर तो अलर्ट है, वो तो हमने पढ़ लिया लास्ट, ठीक है। अब अलर्ट के चैप्टर में वही है जो हम लास्ट पढ़ा चुके हैं आपको। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल जो है वो कैसे बनाया जाए। अच्छा, स्ट्रिंग क्या चीज़ है, जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसको स्ट्रिंग कहते हैं, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है स्ट्रिंग की, ठीक है, तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। टेक्स्ट भी बोल सकते हैं आप, लेकिन चूंकि आप प्रोग्रामर हैं, अब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने जा रहे हैं, तो आप जो बात करेंगे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़ुबान में बात करेंगे। भाई क्यों खड़े हो तुम, तो आ जाओ ना जल्दी, आके जो करना है करके जाओ। क्या हुआ, क्या है, क्या भूल गया था फिर? अरे भाई तुम कल आ जाना, कल ले जाना USB अपनी, उसमें जा रहे वो ग्लास से उठा के ले, जल्दी से वापस आओ भाई, जो भी मसला है निपटाओ, जल्दी से वापस आओ। मिल गई उसकी USB, बस छोड़ो, अब उसको मना कर दे रहा, बोलो कल आओ भाई, क्यों छोड़ के आ गई उसको, एक तो तुमने उठा के मैनेजमेंट को दी, वो फिर तुम्हें ही बोल रहा है कि जाके दिलवाओ। अच्छा, तो हम अब सॉफ्टवेयर डेवलपर क्योंकि बनने जा रहे हैं तो हम उसी जुबान में बात करेंगे, हम टेक्स्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्ट्रिंग। अच्छा, तो ये टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं, ये इसका चक्कर क्या है, ये क्यों यूज़ करते हैं, अलग अलग क्यों होती है टर्मिनोलॉजीज। जैसे देखो,
इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे टर्म्स होती हैं, मेडिकल में भी बहुत सारे टर्म्स, जैसे इंजीनियरिंग की एक टर्म होती है डिग्री, क्या मतलब होता है इसका? एक तो वो कागज गोल करके देते हैं वो नहीं, एक और डिग्री जो होती है मेजरमेंट की जो डिग्री होती है, ठीक है, तो एक टर्म नहीं है डिग्री का मतलब आप पता है आपको कि मतलब कि एंगल की बात हो रही होती है। लेकिन अब मैं मिसाल के तौर पे घर में मैं सीढ़ी तैयार करवा रहा हूँ, फ्लोर पहले फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ी बनवा रहा हूँ मैं, अब मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ इंजीनियर को जो भी काम कर रहा है या जो भी मजदूर काम कर रहा है उसको मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस सीढ़ी को किस पे रखो, 45 डिग्री पे रखो इसको, ठीक है 45 डिग्री पे रखो ताकि शॉर्ट बने सीढ़ी, या जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ उसको, या मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 45 डिग्री से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब ये बात बोल के दिखाओ, लेकिन डिग्री का वर्ड यूज़ नहीं करना, टर्म है ना डिग्री, अगर हम टर्म यूज़ ना करें अब क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, बोलो 45 एंगल स्लोप भी तो नहीं, एंगल डिग्री तो एक ही बात हो गई ना, वही तो नहीं बोल रहा है, है? नाप के दिखा दोगे ना। अच्छा मैं होऊंगा ना तो मैं ऐसे हाथ से ऐसे बना के दिखाऊंगा कि इसको ना ऐसे यूं रखना, यूं ठीक है, ऐसे यूं रखना, हो गया। अच्छा अब वो बना देगा यूं, कहेगा सर आपने तो ऐसे हाथ दिखाया था मुझे 90 डिग्री, वो बोल उसको जो समझ आया उसने कर दिया, ठीक है। तो ये बात अगर आप टर्मिनोलॉजी हटा देंगे ना इसमें से, इस जुमले में से, तो ये जुमला ही मेक सेंस नहीं होगा, फिर नॉनसेंस बात हो जाएगी। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपको प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी इस तरह की मिलेगी, जब दो इंजीनियर आपस में बात करते हैं ना, जब दो इंजीनियर आपस में बात करते हैं तो उसमें टर्मिनोलॉजी का बड़ा अहम रोल होता है, टर्म में बात होती है, इंजीनियरिंग की एक ज़ुबान होती है उसमें बात होती है, तो इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की भी ना एक ज़ुबान होती है उसमें बात होती है, ठीक है। मैकेनिक जब आपस में बात करते हैं, जब मैकेनिक आपको जब इंजन देके भेजता है लेथ मशीन वाले के पास तो क्या बोलता है, बोर करवा दो इसको, बोर करवा के क्या कर दो, 100 का पिस्टन डाल दो, 100 का पिस्टन, यही बोलता है ना वो। तो उनकी एक टर्मिनोलॉजी अपनी है, मतलब बाय द बुक नहीं है वो, उन्होंने अपना बनाया हुआ, तो उसका मतलब क्या होता है पता है किसी को, इंजीनियरिंग का कोई बैठा हुआ है यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर कोई है? अच्छा मैं नहीं हूँ भाई दादा मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन मुझे वैसे ही पता है क्योंकि वो बार बार बोलता था ना 100 का 50 का, मैं कहता ये है क्या चीज़ 100 50, तो पता चला है कि जो मिसाल के तौर पर 70 cc बाइक है तो उसमें 72.0 का लगा हुआ होता है, तो 72.50 का जब लगेगा तो वो 50 का है, और 72.1 का जब लगेगा तो वो 100 का है, और 72.15 का जब लगेगा तो वो क्या है, वो 150 का है, और ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा का वो साइज़ बनाती नहीं है कंपनी, ठीक है। तो ये मतलब एक टर्मिनोलॉजी है ना, तो उसको अगर पॉइंट में आपको बताए कि 72.15 का लगवा दो तो आपको भी शायद जाते जाते भूल जाए कि यार ये क्या नंबर बोला था इसने तो हमने देखा कि टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता ना तो आप अपने आप को फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर कह नहीं सकते। अच्छा अच्छा ये बहुत ज़्यादा पीला कर दिया ना। नहीं मुझे बहुत ज़्यादा वाइट लाइट लग रही थी आँखों में। वेल अच्छा तो वेरिएबल कैसे बनेगा, आ जाते हैं इसमें, स्क्रिप्ट का टैग बनाया, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, अच्छा ये जो बुक है ना भाई दबे ये लिखी हुई है एक्मा स्क्रिप्ट 5 में, ये बुक जो लिखी हुई है ना ये एक्मा स्क्रिप्ट 5 में लिखी हुई है, इसमें वेरिएबल वार करके बना रहे हैं हम, टॉपिक तो इसमें से हमने देख लिए हैं थोड़े घर पे स्टडी करने के लिए सही है, लेकिन हम जो कोड लिखेंगे ना वो हम ES6 का लिखेंगे, तो मैं क्या बोलूँगा, लेट माई नेम इक्वल्स टू मलिक, तो ये वेरिएबल बन गया, ठीक है। ECMAScript 5 में वार था वेरिएबल बनाने के लिए, अभी लेटेस्ट जो है उसमें लेट हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा चेंज क्यों हुआ है, जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनकी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है, वरना इसको चेंज करने की ज़रूरत वैसे तो नहीं थी। जो जदीद सिंटैक्स है, जदीद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है, वरना इससे पहले सी वाला सिंटैक्स था इसका पूरा,
तो अब सिंटैक्स जो है ना अब चेंज हो गया थोड़ा सब जगह पे, ठीक है। लैम्डा फंक्शन वाला सिंटैक्स आ गया, एरो फंक्शन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आ चुका है। तो जावास्क्रिप्ट जाहिर है उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए सारा सिंटैक्स वो वाला इन्होंने भी इम्प्लीमेंट कर दिया अपने पास, तो इस वजह से ये चेंज हुआ। और कोई कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सारे सेम है, जहाँ पे चेंज होगा वो भी हम यहाँ पे बता दूंगा मैं कि इसमें ये चीज़ चेंज है, फाइव में ये था, सिक्स में ऐसे हो गया। अच्छा, तो अब क्या करना है आपको, लेट, लेट क्या चीज़ है, एक कीवर्ड है। अच्छा, कीवर्ड क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं ना जब आपस में, जैसे उर्दू में मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं जुमला बोलता हूँ, ठीक है, मैं एक जुमला बोलता हूँ कि क्या हाल है, एक जुमला बोला मैं, तो इसमें क्या का एक मतलब है, हाल का एक मतलब, ये वर्ड्स है ना, तीन वर्ड मिला के एक जुमला बनता है। तो अब मैं कंप्यूटर से मुझे बात करनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि कंप्यूटर को बात समझानी है अपनी, कंप्यूटर को कोई भी मैं करवाना चाहता हूँ ना काम कंप्यूटर से, तो उसको समझाना है कि बेटा ये करो। तो कंप्यूटर से, कंप्यूटर को समझाने की जो जुबान है ना उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम जो पढ़ रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट है, और भी लैंग्वेजेस हैं इसके अलावा, जावास्क्रिप्ट के अलावा। अच्छा, तो कंप्यूटर को जब हम बात समझाते हैं अपनी, तो इसकी जो ग्रामर होती है, इसके जो वर्ड्स होते हैं उसको हम कहते हैं कीवर्ड, ठीक है। अच्छा, तो ये लेट एक कीवर्ड है, और ये ज्यादा कीवर्ड मिला के पूरा क्या बना, एक स्टेटमेंट बना, ठीक है। हमारी जुबान में क्या होता है, चार पांच वर्ड मिला के एक जुमला बनता है, इसमें दो चार कीवर्ड मिला के एक स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। तो जो हमारे केस में जुमला है वो यहाँ पे स्टेटमेंट है, जो हमारे केस में वर्ड है यहाँ पे वो कीवर्ड है। तो हमने पहला कीवर्ड पढ़ा था अलर्ट, दूसरा कीवर्ड हमने पढ़ा है लेट। अच्छा, लेट, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, माई नेम। माई नेम जो है ना, मेरी मर्जी का कोई भी एक नाम होगा जो मैं अपने वेरिएबल का नाम रखना चाहता हूँ। उसके बाद इक्वल टू, इक्वल टू इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आगे भी हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या, वो किस लिए यूज़ होता है, कि इस वेरिएबल में रखवाना क्या है। और मैंने आगे लिख दिया, स्ट्रिंग में लिखा है मैंने मलिक, ठीक है, ऐसे डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो प्रोग्रामिंग के अंदर उसको स्ट्रिंग कहा जाता है, ठीक है। टेक्स्ट भी बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पे टर्म स्ट्रिंग है। अच्छा, तो माई नेम जो था वो एक वेरिएबल था जो मैंने अभी अभी बनाया है, और उसके अंदर क्या जा चुका है, मलिक, ये उसके अंदर जाके सेव हो चुका है। अच्छा, पहले इसको हम ज़रा सा अलर्ट लिखते हैं, पहले हम डायरेक्ट लिखते थे ना हेलो वर्ल्ड, पहले हम डायरेक्ट लिखते थे, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या लिखता था डायरेक्ट में, स्ट्रिंग अलर्ट के अंदर डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखता था, वो प्रिंट हो जाता था। अब मैं लिखूंगा मेरे वेरिएबल का नाम, ठीक है, अब मैं लिखूंगा मेरी वेरिएबल का नाम। अब जब ये कोड चलेगा ना, जब ये लाइन रन होगी, तो यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम जहाँ पे लिखा हुआ है ये खुद गायब हो जाएगा यहाँ से, और इसकी जगह पे वो चीज़ आ जाएगी जो वेरिएबल के अंदर सेव है इस वक्त, ठीक है। मतलब जब ये कोड चलेगा तो यहाँ पे वही स्ट्रिंग आ जाएगा मलिक, तो क्या स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए, जो वेरिएबल में बात है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जानी चाहिए। तो चला के देखते हैं इसको, फिर हम मजीद वेरिएबल को एक्सप्लोर करते हैं कि वेरिएबल की एक एक छोटी छोटी डिटेल देखते हैं। अच्छा, तो देखो स्क्रीन पे पहले हेलो वर्ल्ड आया जो पहली लाइन थी, ओके किया मैंने तो दूसरे नंबर पर मलिक भी आ गया, ठीक है, दोनों प्रिंट हो गया, ये वाला भी प्रिंट हो गया, ये वाला भी प्रिंट हो गया। अच्छा, तो हमने ये देखा कि वेरिएबल एक है। अच्छा, इस वेरिएबल को मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने कहा लेट, सॉरी, माई नेम इक्वल्स टू जॉन, ठीक है। तो अच्छा, लेट जो है सिर्फ बनाते हुए लगेगा, बाद में चेंज करने के लिए लेट नहीं लगेगा, सही है। नाम लिखा, इक्वल डाल के कुछ भी कर दिया, जॉन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जॉन प्रिंट हो जाएगा। इस वाले को मैं रोक देता हूँ, तो पहले प्रिंट होगा मलिक, उसके बाद प्रिंट होगा जॉन, क्योंकि इस पॉइंट पे जब ये पहुंचा है कोड मेरा, तो इस पॉइंट पे क्या हो चुका है, इस वेरिएबल की मैं वैल्यू को चेंज कर चुका हूँ, जो पहले थी वो नहीं रही होगी, अब चेंज हो गई है। तो देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। रिफ्रेश किया मैंने, पहले मलिक आया फिर जॉन आ गया, ठीक है। तो ये हमने वेरिएबल का हेलो वर्ल्ड किया असल में फिलहाल, इस इतना समझ में आया जो मैंने बताया। अच्छा, अब मैं छोटी सी एक बात आपको और बताता हूँ, जैसे वेरिएबल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो, नाम में ना सारी कहानी नाम में छुपी हुई है, नाम पे गौर करोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है पीछे किसी भी चीज़ के। ज़्यादातर दुनिया में जितनी मुश्किल चीज़ें हैं ना, उस सब की कहानी नाम में छुपी हुई है। वेरिएबल,
क्या मतलब है इसका? अंग्रेजी में वेरिएबल किस चीज़ को कहते हैं जी, जो बार बार चेंज हो रहा होता है? और कोई जिसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है, वेरी करती हो? हाँ अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। वेरिएबल का मतलब है, वेरी करने का मतलब होता है कि ऊपर नीचे होना, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो वेरी करती हैं, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे भी आ जाती है, ठीक है। एट अ गिवन टाइम तो रेट होता, अभी जैसे मैं पूछूंगा अभी क्या रेट है तो अभी तो फिक्स होगा एक, लेकिन वो वेरी करता है टाइम टू टाइम, वो कभी कभी वेरी करता है, ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह जाता है। तो पेट्रोल की जो प्राइस है वो क्या है? वेरिएबल है। एबल का मतलब है कि हो सकता है, वेरी एबल, वेरी कर सकती है। तो पेट्रोल की प्राइस इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो जो भी ऐसी चीज़ है जो जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती हो, कम या ज़्यादा हो जाती हो, जैसे पेट्रोल की प्राइस है, तो उस चीज़ को हम वेरिएबल कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल बना सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे पहले जब हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड क्या होता था? जब भी मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो हमेशा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, कभी भी कुछ और प्रिंट नहीं हो सकता इस लाइन के अंदर। लेकिन जहाँ पे मैंने वेरिएबल लगाया हुआ है वहाँ पे क्या होगा? वेरिएबल की करंट वैल्यू को देखेगा वो। देखें आप, लाइन नंबर 20 में भी माई नेम को प्रिंट किया मैंने, और लाइन नंबर 24 में भी माई नेम को प्रिंट किया है, लेकिन दोनों जगह वैल्यू क्या होती है? अलग अलग प्रिंट हो रही है अकॉर्डिंग टू द करंट वैल्यू, जो भी करंट वैल्यू है वेरी कर गई है। अच्छा, वेरी करवाएगा कौन? हमारी मर्जी से होगा, वो खुद से नहीं होगा, हमारी मर्जी से होगा। अच्छा, तो एक ये मैंने वेरिएबल समझाया आपको, एक और मिसाल देके समझाता हूँ। वेरिएबल को आप इमेजिन करें, एक डब्बा है, एक डब्बा है, उसके अंदर आपने डब्बे का नाम रखा माई नेम, और उस डब्बे के अंदर आपने रखा ये वैल्यू, तो उस डब्बे में सेव हो गई। जब भी मैं वो डब्बा खोलूँगा मुझे वैल्यू उसी तरह दिखेगी, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में यहाँ पे मैं आया, मैंने उस डब्बे के अंदर एक नई वैल्यू डाली, तो इसको आप ऐसे ही इमेजिन करें कि डब्बे में एक वैल्यू पहले से थी, मैंने ऊपर से दूसरी वैल्यू डाली ना, तो नीचे वाला दब के मर गया, ख़त्म हो गया, अब ये ऊपर वाली आ गई, सही है। अब जब मैं नहीं डालूंगा तो क्या होगा? जो पहले से थी वो दब जाएगी, दब के मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ऊपर जो है वो हो रही, ठीक है। तो वैल्यू, जो पुरानी वाली वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है, जब मैं एक नई वैल्यू डालूंगा तो पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसको दोबारा गेट में नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमने वेरिएबल थोड़ा सा पढ़ा। अच्छा, अब जरा देखते हैं बुक में ये वेरिएबल के मुताल्लिक और क्या बात कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज़ हुई है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ सर में लग रही थी, आवाज़ अगर तेज़ तो नहीं हुई थी आवाज़? अच्छा, मुझे लग रहा था तेज़ हुई है, क्योंकि मुझे सर पे लग रही थी आवाज़। वेल, थोड़ी मैंने कम कर दी इसीलिए। अगर कम हो जाए बहुत ज़्यादा तो भी बताया करो, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो भी मुझे फीडबैक दिया करो कि सर ये तेज़ बहुत हुई थी आवाज़। अच्छा, तो इन्होंने भी बनाया कि भाई वार मार्क कर दो, फिर नेम को चेंज भी कर सकते हो आप। ये बुक में यही बातें हुई भी हैं सारी, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल के मुताल्लिक कोई और बात ऐसी? अच्छा, ये हमने कवर कर लिया पूरा। अच्छा, अब वेरिएबल फॉर नंबर, कि नंबर के लिए जब वेरिएबल बनाएंगे हम तो वो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, सही है, और इतने कोड को मैं क्या कर देता हूँ? कमेंट कर दिया, रोक दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने एक लाइन डाल दी ताकि पता चले कि यहाँ पे एक टॉपिक कवर हो गया। अच्छा, लेट, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल फॉर नंबर, क्योंकि डेटा जो होता है वो दोनों फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है जो हम स्ट्रिंग की सूरत में सेव कर देते हैं, और वो नंबर भी हो सकता है। तो नंबर को कैसे सेव करेंगे? नंबर के लिए भी वही है, माई नम इक्वल्स टू 45, ऐसे हो गया। अच्छा, तो लेट वेरिएबल को बनाने के लिए जो लेट होता है वही लेट होगा, उसके बाद मेरी मर्जी का कोई एक नाम होगा, ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू केस में रखवाना गया है, और उसके बाद एक नंबर वेरिएबल, नंबर की वैल्यू, तो ये 45 हो गया। अच्छा, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ,
कहीं पे भी मैं उसको लिखूंगा ना, कहीं पे भी मैं उसको लिखूंगा वेरिएबल को, तो ये भी वही करेगा. जब ये कोड रन होगा तो ये वेरिएबल खुद हट जाएगा यहाँ से जहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है मैंने, और उसकी वैल्यू उसकी जगह पर आ जाएगी. तो अगर ये कोड मैं रन करता हूँ तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होना चाहिए? 45 होना चाहिए. मैंने एक और बना लिया वेरिएबल जिसका नाम मैंने रख दिया माई नम वन. अच्छा, वेरिएबल का नाम ना एक नाम से दो नहीं बन सकते, एक नाम से एक ही बनेगा. और मेक सेंस है भाई, अगर कहीं पे मैं अलर्ट करवाता हूँ उसको, एक ही नाम से दो वेरिएबल बना दिए और अलर्ट, तो कौन सा होगा भाई? पहला होगा, दूसरा? तो ये एरर है, वो आपको शुरू में बनाने ही नहीं देगा कि भाई एक नाम से एक ही बनेगा वेरिएबल, दो नहीं बन सकते. तो इसलिए मुझे इसने बोला कि भाई नाम चेंज करो, तो मैंने एक वन लगा दिया, इसके आगे नाम चेंज हो गया. अच्छा, ये नाम बाय द वे केस सेंसिटिव है. जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अगर मैंने स्मॉल m से माई नम लिखा है ना, तो और कैपिटल m से अगर लिखूंगा तो वो दूसरा होगा वेरिएबल, ठीक है? अगर स्मॉल से बनाया है तो स्मॉल से ही गेट होगा, और अगर कैपिटल से बनाया तो कैपिटल से ही गेट होगा. बल्कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज तक मैंने देखी है वो सारी केस सेंसिटिव ही होती है, ठीक है? सी शार्प, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, रस्ट, कॉटलिन, ऑब्जेक्टिव सी, स्विफ्ट, ये सारी केस सेंसिटिव है. आज तक मैंने कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं देखी जो केस सेंसिटिव ना हो, ठीक है? तो बाई डिफॉल्ट आप इमेजिन करें कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव होती है. अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि इस वाले अलर्ट में, तो चलो बता दिया आपने कि 45 प्रिंट होगा, इसमें क्या प्रिंट होगा? इसमें भी 45 होगा. वो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, 45 है वो टेक्स्ट वैल्यू, लेकिन स्क्रीन पर तो टेक्स्ट पता नहीं चलता ना कि नंबर प्रिंट हुआ है या टेक्स्ट प्रिंट हुआ है. तो स्क्रीन पे 45 भी लिखा हुआ है दोनों केसेस में, ठीक है? स्क्रीन पे कोई फर्क नहीं है. तो फर्क है कहाँ पे फिर भाई? नंबर का अलग से क्यों बनाया? स्ट्रिंग में भी जब नंबर लग जाते हैं, नंबर तो स्ट्रिंग में भी लग जाते हैं, ऑपरेशंस नहीं हो पाएंगे ना उसमें, प्लस माइनस नहीं हो पाएगा. तो प्लस माइनस करने के लिए फिर नंबर वाला आपको चाहिए होता है. अच्छा, पहले इतने को चला के देखते हैं. अच्छा, रिफ्रेश किया मैंने, 45 कोई फर्क नहीं है, एक जैसा बिल्कुल दिख रहा है. अच्छा, बाय द वे कंसोल, जो ये हम अलर्ट करते हैं ना, अलर्ट डेवलपमेंट के दौरान अलर्ट करना, अलर्ट को यूज़ ही नहीं करते हैं. सही है, अलर्ट इसलिए यूज़ नहीं करते हैं अब क्योंकि अलर्ट है ब्लॉकिंग कोड, उसकी जगह ना कंसोल डॉट लॉग इस्तेमाल करते हैं. कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग से भी स्क्रीन पर प्रिंट होता है वैल्यू, स्क्रीन पे ही प्रिंट होती है, लेकिन सामने नहीं प्रिंट होती, ये डेवलपर लॉग्स में प्रिंट होती है. अब डेवलपर लॉग या डेवलपर कंसोल कैसे खुलता है? यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आप, इंस्पेक्ट एलिमेंट का बटन प्रेस करेंगे, और आप कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे आप चले जाएंगे कंसोल में. इसको मैंने नमाज के लिए भेज देता हूँ अभी. अच्छा, ये कंसोल यहाँ पे आ रहा होगा, अगर यहाँ नहीं आ रहा होगा तो इसके अंदर होगा. तो कंसोल पे आप जाएंगे और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ प्रिंट हो गया ये, ठीक है? ये दोनों प्रिंट हो गए यहाँ पे. अच्छा, तो हम हमेशा जब डेवलपमेंट के दौरान जब प्रिंट करेंगे ना कोई भी चीज़, तो हम वो कंसोल पे प्रिंट करेंगे. अच्छा, अभी आप सब लोग नमाज़ पढ़ने चले जाएं, फिर वापस आके हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू.